हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टेटरी ऑडिट। अब इसका एक्रोनिम है नानी, NAANI। एन फॉर नेचर, ए फॉर एम, ए फॉर अपॉइंटेड बाय नानी, नॉट कंपल्सरी ऑब्लिक कंपल्सरी और इंचार्ज। तो जब भी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट एंड स्टेटूटरी ऑडिट पढ़ें तो नानी को याद करें। नेचर, एम, अपॉइंटेड बाय नानी, नॉट कंपल्सरी ऑब्लिक कंपल्सरी एंड इंचार्ज। थोड़ी देर के लिए याद रहो, याद करो कि घर की इंचार्ज नानी है। ओके, नाउ एंड नेचर। नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट आर फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तय करती है कि इंटरनल ऑडिट किस क्षेत्र में चाहिए। जैसे जनरली जो इंटरनल ऑडिट का स्कोप है, भाई हमारे पॉलिसीज बराबर चल रही है कि नहीं, हमने जो पॉलिसीज बनाई है बिजनेस पॉलिसीज, हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए इंटरनल ऑडिट कराई जाती है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बराबर इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, उसके लिए हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं। स्टेटूटरी ऑडिट का नेचर एंड स्कोप प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ है, देयरफॉर कैन नॉट बी लिमिटेड। अब इंटरनल ऑडिट का स्कोप लिमिट कर सकते हैं, भाई तू ये पर्टिकुलर एरिया में ही ऑडिट करेगा, रिसोर्सेज की ऑडिट कर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की ऑडिट कर, करेक्ट। पर स्टेटूटरी ऑडिट का नेचर और स्कोप हम लिमिट नहीं कर सकते, भाई तू ये नहीं कर सकता। हम स्टेटूटरी ऑडिटर को ये नहीं बोल सकते कि तू भाई कैश बुक चेक नहीं करेगा, तू जर्नल चेक नहीं करेगा, है ना। तो इसका नेचर एंड स्कोप मैनेजमेंट तय करती है। स्टेटूटरी ऑडिट का नेचर एंड स्कोप प्रिस्क्राइब बाय लॉ है, उसको रोका नहीं जा सकता। एम, मैंने बताया था, एम ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू मेक यूजफुल सजेशन टू द मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। पूरे मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करो। पॉलिसी डिसीजंस बराबर इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, वो चेक करो। यहां पर एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टेटूटरी ऑडिट का है, एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वेरीफाई इट्स करेक्टनेस, डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स इफ एनी। मतलब यहां पर फ्रॉड एंड एरर्स डिटेक्ट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इंटरनल ऑडिट में फ्रॉड एंड एरर्स डिटेक्शन पॉलिसी पूरे मैनेजमेंट का देखना है। तो एम अलग अलग है ना। तो पहला है नेचर, एम, अब अपॉइंटेड बाय नानी। नेचर, एम, अपॉइंटेड बाय, नॉट कंपल्सरी ऑब्लिक कंपल्सरी, आई फॉर इंचार्ज। अभी हम अपॉइंटेड बाय पे आते हैं। इंटरनल ऑडिटर एंड स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, देयरफॉर रेम्यूनरेशन एंड ड्यूटीज आर फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट। वहां पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। स्टेटूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, हिज राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। रेम्यूनरेशन भी फिक्स कौन करता है? शेयर होल्डर। जो अपॉइंट करेगा वही तय करेगा कि कितना मेरे को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर को, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है स्टेट्यूटरी ऑडिटर को। रेम्यूनरेशन इंटरनल ऑडिटर की मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और रेम्यूनरेशन स्टेट्यूटरी ऑडिटर की शेयर होल्डर डिसाइड करता है। नानी, नॉट कंपल्सरी ऑब्लिक कंपल्सरी, ये बड़ी सिंपल पॉइंट है। इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज कंडक्टेड टू कीप कंटिन्यूस चेक ऑन अकाउंट्स एंड अदर पॉलिसी मैटर्स। स्टेटूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी बाय स्टेट्यू अंडर विच द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड। वो कंपल्सरी है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है हर रजिस्टर्ड कंपनी को स्टेटूटरी ऑडिट करानी है। इनचार्ज, द पर्सन इन चार्ज इज नोन एज इंटरनल ऑडिटर, और वहां पर द ऑडिटर इज नोन एज स्टेटूटरी ऑडिटर। तो यहां पर इंटरनल ऑडिटर का नाम दिया जाता है, उसको स्टेटूटरी ऑडिटर बोला जाता है। तो नानी, अभी लेग, LEC, लेक्चर होता है ना, जो अपन अटेंड नहीं करते हैं, लेक्चर, राइट। अब लाइबल, एम्प्लॉय एंड कंप्लीट। लेक्चर में लाइबल, एम्प्लॉय एंड कंप्लीट। नानी लेक्चर, तो लेक्चर का लेक है, नानी बोलती है लेक्चर जाओ, राइट। फिर लाइबल में इंटरनल ऑडिटर इज लाइबल टू मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को जवाबदेही है, डेफिनेटली जो मेरे को अपॉइंट करेगा मेरी जवाबदेही उसके तरफ होगी। स्टेटूटरी ऑडिटर इज लायबल टू शेयर होल्डर, इंटरनल ऑडिटर की लायबिलिटी मैनेजमेंट की तरफ है, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट।
स्टेटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। तो उसकी जवाबदेही किसको होगी? शेयर होल्डर्स को, लॉजिकल। एम्प्लॉय, इंटरनल ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ये कंपनी का एम्प्लॉय है। स्टेटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर है फॉर ऑडिट पर्पस, करेक्ट। तो इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी है, स्टेटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है ऑडिट पर्पस के लिए। कंप्लीट, इंटरनल ऑडिटर इज कंप्लीट ऑडिट एंड इज कंटिन्यूअस ऑडिट, हर एक चीज चेक होती है। जिस एरिया में भी अपन ने इंटरनल ऑडिट कराई उस एरिया की सारी बातें चेक होंगी। स्टेटरी ऑडिट टेस्ट चेकिंग करता है, रिसोर्ट्स टू टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो है वो पूरा साल चलती है, कंटिन्यूअस ऑडिट, और ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। ओके, तो नानी लेग, नानी बोलती है लेक्चर जाओ। एन फॉर नेचर, ए फॉर एम, फिर ए फॉर अपॉइंटेड बाय, एन फॉर नॉट कंपल्सरी कंपल्सरी, फिर इंचार्ज, घर की इंचार्ज नानी है याद रखना, फिर लेक्चर, लायबल, एम्प्लॉय, कंप्लीट। अब नानी तो बोलती है लेक्चर पर हम क्यों अटेंड करें? क्यू आर आर, क्यू आर आर, क्वालिफिकेशन रिमूवल रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन रिमूवल रिपोर्ट। अब क्वालिफिकेशन, इंटरनल ऑडिटर नीड नॉट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट आर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो जरूरी नहीं है सीए हो, तो इसके लिए प्रोफेशनल कंडक्ट के रूल्स होते हैं। आईसीआई ने कुछ रूल्स बनाए कि सीए कैसे काम करेगा, वो सारे रूल्स नहीं लगते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। स्टेटरी ऑडिटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर फोर रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट आर एप्लीकेबल, कि काम कैसे करना है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी क्या है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो आईसीएआई ने तय कर रखी है, वैसे ही करना है। अगर नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा आईसीएआई के तरफ से और रिमूवल भी हो सकता है। अब रिमूवल, इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चाहे तो इंटरनल ऑडिटर को रिमूव कर सकती है। स्टेटरी ऑडिटर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। यार देखिए, तीन पॉइंट लिंक्ड है, मेरे को अपॉइंट मैनेजमेंट करता है तो मैं लायबल मैनेजमेंट पे हूँ, रिमूव भी कौन कर सकता है? मैनेजमेंट, वहां पे मैं अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। तो लायबल भी किसको हूँ? शेयर होल्डर को। रिमूव भी कौन कर सकता है? शेयर होल्डर। तो स्टेटरी ऑडिटर कैन ओनली बी रिमूव बाय शेयर होल्डर एंड दैट टू आफ्टर फॉलोइंग प्रोसीजर लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट 2013। ये नहीं कि बुरा सपना है चलो स्टेटरी ऑडिटर को निकाल दो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं मैनेजमेंट। तो इधर तो इंटरनल ऑडिटर को कल मजा नहीं आया तो मैनेजमेंट निकाल सकती है। रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट हिज रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, और वहां पर स्टेटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। तो नानी, लेक्चर मतलब लेक LEC, क्यू आर आर, क्वालिफिकेशन रिमूवल रिपोर्ट, क्यू आर आर, क्वालिफिकेशन रिमूवल रिपोर्ट। गुड लक।